नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम खबर के प्रायोजक हैं न्यूट्रीवर्ल्ड। निम्न दबाव का क्षेत्र अब कमजोर हो गया है और चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में इस बीच एक नया मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से उभरता हुआ दिखाई देने लगा है। तो अब आइए देखते हैं 7 और 8 अक्टूबर को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल और क्या है जानकारी। अगले 24 घंटों में पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां लगातार होती रहेंगी। इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मौसमी स्थितियों के अनुकूल होने के बाद उत्तर प्रदेश के कुछ और भागों से मानसून आगे बढ़ा है तथा मानसून की वापसी की जो सीमा है वो आगे बढ़ी है। इस समय मानसून की वापसी की सीमा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या और फतेहपुर से गुजर रही है। इन स्थितियों के बीच बारिश की सबसे ज्यादा संभावना आगे देखिए किन किन जिलों में है। अगले 3 से 4 दिनों तक इन जिलों में बारिश के हैं आसार और इसके साथ ही ठंड देगी दस्तक। पूर्वांचल के जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने मौसम के बदलाव को लेकर कोई वार्निंग तो नहीं जारी की है, लेकिन आकाशीय बिजली से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जरूर दी है। बिहार से सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में अगले 3-4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार गाजीपुर, बलिया, चंदौली और वाराणसी में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यह सिलसिला मंगलवार से लेकर अगले 2-3 दिनों तक जारी रह सकता है। बारिश के साथ बादलों की गड़गड़ाहट भी सुनाई देगी। मौसम विभाग ने इसके लिए कोई वार्निंग तो नहीं जारी की है, लेकिन आकाशीय बिजली से लोगों को सावधान रहने की चेतावनी जरूर दी गई है। पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के साथ बुंदेलखंड और ब्रज के क्षेत्र में बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। इन सभी इलाकों में मौसम खुला रहेगा, धूप निकलती रहेंगी। हल्की बारिश की संभावना सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही जताई गई है। बारिश से ठंड की होगी दस्तक। बता दें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठंड बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हल्की बूंदाबांदी के साथ तापमान में और गिरावट आ जाएगी। रात के तापमान में तो काफी गिरावट पहले ही आ चुकी है, लेकिन बूंदाबांदी के बाद दिन के तापमान में भी थोड़ी कमी आ सकती है। इस समय दिन और रात के तापमान में है बड़ा अंतर। दिन और रात के तापमान में इन दिनों 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल रहा है। दिन में अधिकतम तापमान जहां 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है, वहीं रात का न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। तापमान में यह अंतर सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जिन जिलों में दिन में अधिक तापमान रहेगा वो जिले हैं हरदोई, कन्नौज और कानपुर देहात तथा जालौन और कौशाम्बी। इसके अलावा इटावा, औरैया, हाथरस, इन जिलों में दिन का तापमान सर्वाधिक रहेगा। इसी के साथ रात के तापमान की बात अगर हम करें तो सबसे कम तापमान हरदोई जिले में होगा, साथ ही ललितपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ तथा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर, इन जिलों में रात का तापमान कम ही रहेगा। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बहुत ही हल्की वर्षा हो सकती है या फिर सिर्फ बादल छाए रह सकते हैं वो जिले हैं जौनपुर, मऊनाथ बंजन, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बलिया और देवरिया। इसके अलावा साथ ही मिर्जापुर, भदोई, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर, इन जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है। मौसम खबर के प्रायोजक थे न्यूट्रीवर्ल्ड। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।